नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आप सभी का अपने YouTube चैनल गरिमा IAS में स्वागत करता हूँ। आज 1 दिसंबर 2017 है और दिन है शुक्रवार। फ्रेंड्स, हम लोग भारतीय संविधान में जो विकास क्रम रहे हैं भारतीय संविधान के, उसी को जो है हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोग एक एक करके एक एक अधिनियम को है जो देखते आ रहे थे। उसमें आप लोगों को पता होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1973 का था, जो 1773 में आया था। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसके बाद चार्टर एक्ट 4 आए थे सन 1793, 1813, 1823, 1853। उसके बाद जो होता है आपको भारत शासन अधिनियम सन 1858, जो कि सिपाही विद्रोह के पश्चात होता है। तो इस तरह करते करते हम लोग आगे की तरफ आए थे। अब हम लोग पढ़े थे पिछले दिन जो है हम लोग सन 1919 का अधिनियम जो था, भारत परिषद अधिनियम, उसको देखे थे, जिसको कि मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। उसमें जो है हम लोग देख चुके हैं उसको। आज जो है हम लोग भारत शासन अधिनियम सन 1935 को जो है आज देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, जरा गौर से इस अधिनियम को सुनिएगा, क्योंकि यही जो है हमारे संविधान की एक तरीके से कहिए कि मेरुदंड कहलाती है। मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी, ठीक। क्योंकि हमारे संविधान में लगभग लगभग इसी अनुच्छेद के तहत जो है, मतलब यह जो आया आपको यह अधिनियम सन 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसी के तहत जो है हमारे संविधान में जितने भी चीज शामिल किए गए हैं, लगभग लगभग आधे से ज्यादा चीजें इसी से ली गई हैं, सीधे तौर पर या थोड़ी सी बदलाव करके, ठीक। तो जरा सुनने का जोर से कुछ चीजें जो है हम बता देते हैं, उसके बाद जो है हम आप लोग को नोट्स के साथ जो है बताते चलेंगे, लेकिन ये चीजें आप लोगों को सुनने की बहुत जरूरी है। देखिए, आप सभी को पता होगा कि सन 1919 में जो है आप लोगों रॉलेट एक्ट आया, ठीक। सन 1919 इतिहास जब हम पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें जो हम बेहतर तरीके से समझेंगे, लेकिन अभी आप लोग केवल सुन लीजिए। सन 1919 में रॉलेट एक्ट आया, उसके विरोध में क्या होता है, रॉलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला हत्याकांड, जनरल डायर जो था, जनरल डायर, उसी के विरोध में ना होता है पंजाब के अमृतसर शहर में। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो थे आंदोलन का, जो भी बैठ के सभा कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, उसमें जो था चारों तरफ से घेर के गोलीबारी करवा दी उसने, जनरल डायर ने। उसमें तमाम लोगों ने की मृत्यु हो गई, बहुत सारे लोग जो है मृत्यु हो गए, छोटे बच्चे बूढ़े हर तबके के लोग थे। मतलब ऐसा कोई उम्र नहीं होगा, उम्र का कोई लमा मतलब पड़ाव नहीं होगा, जिस उम्र के जो है बच्चे बूढ़े सयाने युवा महिला बच्चियां उसमें मृत्यु के गोद में जो है न समाई हो। यह इतना भयावह था कि ऐसे जब आप खुद इसके बारे में, जब जालियांवाला हत्याकांड के बारे में आप लोग जब पढ़िएगा, कहीं भी आपको मिलेगा, तो मतलब शरीर में जो है एक सनसनाहट सी आ जाती है, ठीक, एक बिजली सा कोंध उठता है। तो ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि उसके पश्चात जो है आपको यह रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में आप लोगों को सारी चीजें हो रही थी। उसके पश्चात जालियांवाला कांड होता है। उसके बाद भारतीय राजनीति में क्या होता है कि महात्मा गांधी का एक तरीके से बोलिए कि उनका आगाज होता है, ठीक। महात्मा गांधी जो है भारतीय राजनीति में आगाज करते हैं, प्रवेश करते हैं, और वो जो है असहयोग आंदोलन, सन 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। देखिए, यहाँ से जो है आंदोलन जो है अपने तीव्र रफ्तार को पकड़ते जा रही है। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है, उसके पश्चात क्या होता है आगे चल करके, 1922 में चौरा चौरी कांड होता है, चौरा चौरी कांड होता है, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन होते हैं। उसके पश्चात धीरे धीरे आगे चली तो 1925 में जो है आपको काकोरी कांड होता है, जिसमें कि अंग्रेजों के जो भी सामान थे, माल थे, जो भी ट्रेन से ले जाया जा रहे थे, तो उत्तर प्रदेश के जो है एक काकोरी जगह है, वहीं से जो है लूट लिया जाता है भारतीय आंदोलनकारियों द्वारा, ठीक। और उसके पश्चात जो है धीरे धीरे करके आप लोगों को पता होना चाहिए सन 1900 आपको 27 में जो है वहां से कमीशन, जो कि आप लोगों को बताया ही है, साइमन कमीशन का गठन होता है भारत में सन 1928 में आता है, जो मुंबई में आता है। इसके विरोध में जो है यहाँ पे फिर आंदोलन जो है होने लगते हैं। उसके विरोध में आंदोलन में आपको बताया था लाला लाजपत राय की जो है लाठीचार्ज में जो है मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात सन 1928 में नेहरू रिपोर्ट आता है। उसके बाद धीरे धीरे आगे काल बढ़ते 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 सन 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, उसमें भी स्वराज का मांग जो है उठता है, अर्थात हमारा अपना सरकार चाहिए। देखिए, आंदोलन की तीव्र गति से तो अंग्रेजी सरकार पे जो है इसका इफेक्ट पड़ना ही पड़ना था, ठीक। तो 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन होता है, उसमें स्वराज की मांग होती है। उसके बाद 1930, ठीक, 31 और 32, 1930, 31 और 32 में प्रथम, क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है, आपको लंदन में हुआ था, ठीक। प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आरंभ होता है। और 1931 में ही आपको पता होना चाहिए कि भगत सिंह, राजगुरु और
उनको और चंद्रशेखर आजाद जो थे, नेशनल पार्क जो है आप लोगों को पता होना चाहिए इलाहाबाद की, उसमें जो है मुठभेड़ के कारण जो है स्वयं को गोली मार लेते हैं। एनकाउंटर उनको करने आता है सब अंग्रेजी पुलिस से जो भी रहते हैं फौज, तो उनसे बचने के लिए जो है खुद को अपने गोली मार लेते हैं। और चंद्र इन लोगों को जो फांसी दी जाती है भगत सिंह को और राजगुरु को, तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है और भी गर्म होती जा रही है भारतीय जो भी आंदोलन थी उसमें, एक तरीके से बोलिए कि आग में जो है घी डालने का काम करता और लहकने लगती है। ठीक, उसके बाद धीरे 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 बढ़ते 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 अब ब्रिटिश हुकूमिया को ये लगने लगा कि अब इसके लिए जो है एक ऐसा मसौदा तैयार किया जाना चाहिए जो कि भारत को संतुष्टि कर सके, भारत की ये लोगों को संतुष्ट कर सके। ठीक, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको भारत शासन अधिनियम सन 1935 आता है। इसी के भारत शासन अधिनियम 1935 में जो थी तमाम, एक तरीके से समझिए कि उदारवादी जो भी चीज़ें शामिल की गई थी, उदारवादी कानून एक्ट एक तरीके से कह सकते हैं उसको, कि भारतीयों के पक्ष में जो है की गई थी। ठीक, तो इसमें जो है लगभग लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद थे। थोड़ा जोर गौर से सुनिएगा, इस अधिनियम को भारतीय संविधान सभा के संविधान निर्माण के लिए जो कहा जाता है कि यह मील का पत्थर साबित हुआ। मील का पत्थर क्यों साबित हुआ? क्योंकि भारतीय संविधान में अभी अधिकांश चीजें जो हैं इसी अधिनियम से जो है ली गई, और ये ब्रिटिश इतिहास के पहला अधिनियम ऐसा था ब्रिटिश इतिहास में जो कि इतने व्यापक तौर पर मसौदे तैयार कर कर और इतना विस्तृत करके जो है यह एक्ट जो है पारित लाया गया था भारत में। ठीक, तो इस अधिनियम के तहत आप लोगों को बता चुके 1935 का क्यों इम्पोर्टेंस रखता है। इसमें 450 से अधिक थे अनुच्छेद, लेकिन भारत में 321 अनुच्छेद था, और जो अनुच्छेद था वो था म्यांमार के लिए। उस समय भारत और म्यांमार एक हुआ करता था। इसी अधिनियम के तहत जो है म्यांमार को अलग भी किया गया। ठीक, तो 1935 के अधिनियम के तहत म्यांमार जो देश बना वो अलग कर दिया गया इससे। और चलिए हम इसके आगे जो है एक एक करके एक एक पॉइंट को जो है देखने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं इस अधिनियम को। आपको अगर कुछ भी समझ में ना आया था कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसमें और भी चीज़ें जो है आपको शामिल करेंगे और जरूर बताने का प्रयास करेंगे। आपको समझ में आएगा डेफिनेटली आएगा, नहीं आएगा तो हमको बताने से फायदा क्या है, हमको कोई लाभ नहीं है। हम चाहते हैं कि हम जो भी बोलें आप सभी को समझ में आए, बिल्कुल समझ में आए, जो नहीं जानता है उनको भी समझ में आए। ठीक, चलिए इनको देखते हैं। सन 1935 का शासन अधिनियम सन 1920 से 1935 तक राष्ट्रीय आंदोलन का परिणाम था। हम बताए हैं किस तरह आंदोलन हुआ करा। 1920 में जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, इसी से समझिए कि यहीं से जो है प्रारंभ होती है आंदोलन का। ठीक, यहीं से तीव्र उठते जाता है, मानती है शुरुआत हुई ऐसे, तो ये वेव के रूप में उठते गया, बड़ा होते गया। ठीक, आप लोग साइंस पढ़े होइएगा तब समझ रहे होइएगा, आयाम जो है इसके बढ़ते गए, मैग्नीट्यूड सी आंदोलन के। यह विधेयक जो था 2 अगस्त 1935 को पारित हुआ। कब पारित हुआ? 2 अगस्त 1935, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ठीक, प्रस्तावना रहित यह अधिनियम जो था ब्रिटिश संसद के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे जटिल प्रलेख था। इसमें जो था प्रस्तावना रहित, अर्थात इसमें प्रस्तावना नहीं था। ठीक, प्रस्तावना रहित यह अधिनियम ब्रिटिश संसद के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे जटिल प्रलेख था। सबसे जटिल, जटिल मतलब समझते हैं काफी, उसमें ऐसी चीजें शामिल की गई थी जो कि सामान्य चीजों में नहीं मिलती है। बहुत जटिल मतलब कठिन, इसको बोल सकते हैं, कठिन नहीं बोलेंगे, जटिल मतलब सामान्य व्यवहार वाले आदमी को, मतलब सामान्य साधारण लोगों को ये समझे में नहीं, समझ में ही नहीं आ पाएंगे ये सारी चीजें। ठीक, तो इस अधिनियम में जो था 1935 का 14 भाग थे। कितने भाग थे? 14 भाग, 321 अनुच्छेद। कितने भाग? 14 भाग, 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां थी। आप लोगों को बात होगा अभी कितना है भाग, तो आपको 22 भाग है संविधान में और अनुसूचियां 12 है। ठीक, तो इधर है 14 भाग, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। ठीक, ये पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। और एक और पॉइंट देख लेते हैं इसको। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफी हद तक जो है इस अधिनियम पर आधारित है। हम लोग आपको तो बताए ही हैं जैसे कि हमारे संवैधानिक ढांचे में कौन कौन सी चीजें हैं, तो आपको पता होना चाहिए। न्यायिक पुनर्विलोकन है, न्यायिक पुनर्विलोकन और संविधान की सर्वोच्चता, ये सारी चीजें जो है संवैधानिक ढांचा है। किसी का मौलिक अधिकार का हनन न हो, ये सारी चीजें जो है इसी से जो है ली गई हैं। ठीक, इस अधिनियम को देखने का प्रयास करते हैं। इस एक्ट के तहत अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान किया गया, अर्थात अखिल भारतीय संघ। यह भी पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत भारतीय संविधान निर्माण के क्रम में किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ का गठन किया गया। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माण के क्रम में किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया, तो आप बोलिएगा सन भारत शासन अधिनियम सन 1935। और भारत शासन अधिनियम सन 1935 आता है तो आपको पता होगा कि सन 1858 में सिपाही सिपाही जो 57 में विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह, उसके पश्चात जो है 1858 का जो आता है आप लोग को भारत शासन अधिनियम सन 1858, उसको जो है इस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। वह समाप्त हो गया और 1935 का यह यहाँ से जो है अधिनियम शुरू होता है।
तो इसी एक्ट के तहत अखिल भारतीय संघ की का गठन किया गया, प्रावधान किया गया जिसमें कि ब्रिटिश प्रांतों को शामिल होना अनिवार्य था। ब्रिटिश प्रांत जो भी थे उनको शामिल, अर्थात जहाँ पर ब्रिटिश प्रांत, वैसे प्रांत जहाँ पर ब्रिटिश शासन थे उनको जो है इसमें शामिल होना आवश्यक था, किंतु देशी रियासतों का शामिल होना नरेशों की इच्छा पर निर्भर था। देशी रियासत जितनी भी थी वहाँ के जो भी सरकार आपको राजा होते थे या सूबे के जो भी वहां पर आपको बोले नवाब हुआ करते थे उनको जो है उनपे निर्भर था कि वे शामिल हो सकते हैं या नहीं। ठीक, लेकिन वे शामिल जो है नहीं हुए। ठीक, आप लोग देखिए इसको अगले पॉइंट को देखते हैं। प्रांत तथा केंद्रों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। यहाँ पर देखिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, शक्तियों का सर्वप्रथम विकेंद्रीकरण यहीं पर होता है। अर्थात कुछ चीजें जो है आपको प्रांतियों को दी गई और कुछ चीजें जो है आपको केंद्र को दी गई कि आप कुछ चीजों को आप देखिए और कुछ चीजों को जो है हम देखेंगे। ठीक, अब इसमें देखिए शक्तियों को किन प्रकार विभाजित किया गया। तो संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। तो इसमें देखिए संघीय सूची में कितने विषय थे, तो 59। कितने विषय थे संघीय सूची में, तो 59, 59 अर्थात 59। प्रांतीय सूची में 54, 54, और समवर्ती सूची में 36। ठीक, समवर्ती सूची में 36। अब समझिए क्या होता है प्रांतीय संघीय सूची। संघीय सूची में देखिए कौन कौन सी चीजें शामिल की जाती हैं, मतलब वैसी चीजें जिनके क्षेत्राधिकार में जो है संघ अर्थात केंद्र ही वो काम कर सकता है। कुछ ऐसे विषयों को शामिल किया गया जिसको कि केवल अधिकार था संघ, संघ ही कर सकता है अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकता है उस समय का। ठीक, तो संघ सूची के अंतर्गत जैसे आप लोग वर्तमान में समझ पाइएगा बेहतर तरीके से जो बता रहे हैं, समझिए अभी जनसंख्या आपको पता है कि जनगणना होता है, तो जनगणना तो राज्य सरकार करेंगी नहीं। अब बिहार में मानते हैं जनगणना होता तो केवल बिहार का तो जनगणना करके छोड़ देंगे, दूसरे राज्य में तो जाएंगे नहीं, तो ये कौन काम करता है, तो ये संघ सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। तो ये चीजें हो गई। चुनाव का आयोजन करना हो तो ये भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, आप लोगों को पता है। और चीजें जो है विदेशी मामलों को देखना है, विदेशी मामले तो कोई राज्य करेगा नहीं, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। विदेश में कोई भी चीज होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार देखती है। तो संघीय सूची के अंतर्गत ये सारी तमाम चीजें जो है आने लगती हैं। इसके अंतर्गत और भी चीजें, बैंकिंग, बीमा, ठीक, और भी जितने भी दो राज्यों के बीच जो है व्यापार हो रहे हैं उनसे संबंधित सारी चीजों को जो है संघीय सूची में रख दिया गया। अब आते हैं प्रांतीय सूची में। प्रांतीय सूची में देखिए मत्स्य पालन आता है, कृषि आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक, तो और भी इसमें चीजें थी, और जैसे कि आपको बिजली आता है, और आपको अगर स्कूल अगर खोलते हैं प्राथमिक तौर पर तो उनको भी अलाउ था, प्रांतीय जो थे वे कर दे सकते थे। तो आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा कि इनको देखिए विषय जो है बंटवारा इस तरीके से जो है किया गया है। समवर्ती सूची में वैसे भी सीओ को रखा गया, ठीक, समवर्ती सूची में वैसे भी सीओ को रखा गया। प्रांतीय सूची में एक और है लोक स्वास्थ्य, जनता के स्वास्थ्य पे भी काम कर सकते थे। समवर्ती सूची में ऐसे चीजों को रखा गया, ऐसे विषयों को जिसमें कि संघ और राज्य जो है दोनों मिलकर के जो है उस विषय को जो है काम करेंगे। जैसे जैसे आप लोग सुनिए, जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई भी अगर उपाय करना, प्रचार करना, परिवार नियोजन के लिए कोई काम करना, स्वच्छता को लेकर के काम करना। अब देखिए समवर्ती सूची में स्वच्छता को लेकर केवल केंद्र सरकार थोड़ी ही काम कर रही है, भले उसके द्वारा शुरू की गई कार्य है स्वच्छता को लेकर, स्वच्छ भारत मिशन जो है भले ही वो उसके द्वारा शुरू की गई, लेकिन क्या किसी राज्य को अपनाया नहीं है, सभी राज्य अपनाए। उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, काफी अहम भाग हो जाता है स्वच्छता को लेकर के, बनारस में हुआ, आपको लखनऊ में होता है, ये सारी चीजें तो आपको देखने को मिलती हैं, अन्य राज्यों में भी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि दोनों चीजें जो है मिल करके कुछ काम को जो है निपटारा करती हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा संघीय सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची, इसको हम विशेष तौर पर जो है आगे हम लोग जो पढ़ेंगे अपनी वर्तमान संविधान में जो है हम लोग की जो सूचियां दी गई है उसमें हम एक एक चीज को जो है बताने वाले हैं। ठीक, अब आते हैं इस पॉइंट को देखिए। अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट मतलब वो होता है कि जो सूची में शामिल नहीं थे, ना संघीय सूची में वो विषय शामिल है, ना प्रांतीय सूची में वो विषय शामिल है, ना समवर्ती सूची में विषय शामिल है, तो उस पे काम कौन करेगा। तो इस पे अभी अधिकार जो दिया गया है, अभी अभी अधिकार दिया गया है अवशिष्ट शक्ति संसद को करने के लिए, लेकिन उस समय जो था अवशिष्ट शक्ति वो शक्ति था वायसराय के पास। गवर्नर जनरल जो था वायसराय बन गया था 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत, उसी को जो है सौंप दिया गया। ठीक, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, इस पॉइंट को देख लेते हैं। वायसराय को यह अधिकार भी दिया गया कि वह किस विषय को किस सूची में रख सकता है, अर्थात उसको यह अधिकार दे दिया गया कि अगर कोई विषय है उसको संघ सूची में डाल सकता है, उसको राज्य सूची में भी डाल सकता है, प्रांत सूची, और उसको जो है समवर्ती सूची में भी डाल सकता है, कोई विषय को किसी में भी डाल सकता है। ठीक, इसके तहत जो था आपको पता होना चाहिए कि प्रांत में जो भी चीजें थी, प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में उसको लागू किया गया, लेकिन इसकी शुरुआत की गई लेकिन यह बाद में जो है किसी कारणवश जो है यह सफल नहीं हो सका, यह लागू न हो सका। ठीक, इसमें जो है विधानसभा, देखिए केंद्रीय विधानसभा और मतलब द्विसदनीय, केंद्र में द्विसदनीय विधान मंडल की जो है स्थापना होती है, उसमें विधानसभा बनता है,
और विधान परिषद यही जो है अभी का एक लोकसभा का रूप ले लेता है और एक जो है राज्यसभा का रूप ले लेता है। तो इसमें विधानसभा में एक मेंबर होते हैं जिसमें प्रांतों से 250 मेंबर लिए जाते हैं, 250 मेंबर प्रांत से लिए जाते हैं और 125 जो है देशी रियासत से लिए जाते हैं। समझ में आया? विधानसभा में कितने लिए जाते हैं? 375 कुल, 250 प्रांत से थे और 125 देशी रियासत से। ठीक, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। अब आइए इसमें विधान परिषद में देखते हैं। तो इसमें जो थे विधान परिषद में 260 सदस्य थे, इसमें 156 प्रांत से लिए गए और 104 जो थे देशी रियासत से। ठीक, बिल्कुल समझ में आएगा। और इनका जो इसको अस्थायी सदन बोलते हैं, जिस प्रकार अभी अब हम लोग को राज्यसभा जो उसको अस्थायी सदन बोलते हैं, अर्थात राष्ट्रपति इसको भंग नहीं कर सकता है, विघटित नहीं कर सकता है। इसके प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल था 6 वर्ष का था, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष पे जो थे वे वर्ष जो सदस्य जो थे बदले जाते थे। ठीक, प्रत्येक एक तिहाई जो सदस्य हुआ करते थे प्रत्येक 2 वर्ष पर उनको बदल दिए जाते थे। ठीक, बिल्कुल समझ में आया होगा आपको जहां तक हम सोचते हैं। इस एक्ट के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल को ही अपनाया गया, आपको बता ही चुके हैं। इस एक्ट के तहत प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का गठन हुआ। देखिए, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान के विकास के क्रम में किस अधिनियम के तहत प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की गठन गठन किया गया, उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। ठीक, तो आप जरूर लिखिएगा इसको कि सन 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया उसी के तहत जो है प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का गठन हुआ, स्वायत्तता दी गई प्रांतों में जो है, स्वायत्तता अर्थात शक्ति दे दी गई। स्वायत्तता का मतलब शक्ति होती है, उनको शक्ति दे दी गई कि आप लोग अपना काम जो है स्वयं कर सकते हैं, आप पे हस्तक्षेप नहीं होगा, जो प्रांत में करना हो आप लोग कर सकते हैं। जिस प्रकार अभी वर्तमान का जो ढांचा है ना, केंद्र सरकार सारी चीजें हस्तक्षेप थोड़े कर सकती है आपको अपने राज्य में। ठीक, कुछ विषय जो है उसमें जो है हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन सारी चीजों में जो है नहीं कर सकती है। यही सिस्टम जो है उस समय लगाया गया। ठीक, इस पॉइंट को देखते हैं। कोई भी विधेयक दोनों सदनों में पारित हुआ वायसराय के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बनता। जैसे कि अभी आप वर्तमान में है, कोई विधेयक पारित करना है तो दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित करना होता है, पता होना चाहिए, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे तभी। सेम वही था, उस समय राष्ट्रपति का जगह जो था वायसराय लिए हुए थे और लोकसभा का जगह है विधान सभा सभा लिया था, और राज्यसभा का जो आपको जगह है वो विधान परिषद लिए हुए था। ठीक, इस पॉइंट को देखते हैं। इस एक्ट के तहत 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत हुई। कौन कौन से प्रांत थे थोड़ा देख लीजिए। बंगाल था, बिहार था, असम था, संयुक्त प्रांत आपको बता दिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो संयुक्त रूप से था उसी को बोला जाता है, बम्बई था और मद्रास था। ठीक, आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा। और इसमें जो है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया, अर्थात इसमें दलित शोषित पीड़ित जो भी लोग थे उनको उनके और भी सीट जो थे आरक्षित किए गए, उनको भी शामिल किया जाने लगा, उनके लिए प्रावधान किए गए सीटों के लिए आरक्षित करके, रिजर्व कोटा जो बोलते हैं। 1935 का जो अधिनियम था उसको, और 1919 का जो अधिनियम था भारतीय परिषद अधिनियम और 1919 का भारत शासन अधिनियम, ठीक, इसको हम दोनों को देखते हैं। यह केंद्र का विषय था, इसमें जो थी केंद्र के लिए चीजें थी। इसमें देखिए, इसमें जो था प्रांतों में जो था द्वैध शासन लागू किया जाता है, और इसमें जो है प्रांतों से हटा करके सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र में लगाया जाता है। इसमें प्रांतों से संबंधित जो भी चीजें थी प्रांतों से संबंधित की गई थी, इसमें जो है केंद्र को जो है रखा गया आपको केंद्र को जो है ध्यान में रखकर जो भी काम किया गया केंद्र में। यहाँ इस अधिनियम में जो है आप लोग देखते हैं प्रांत को। अब हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय आप लोग बता चुके हैं पिछले वीडियो में, आप लोग देखिए तब पता चलेगा। तो केंद्र के भी जो विषय थे वो आरक्षित जो थे वायसराय व उसकी कार्यकारिणी के पास थे, और हस्तांतरित विषय जो थे वायसराय व उसकी परिषद के पास थे। अब आपको आरक्षित और हस्तांतरित समझ में नहीं आएगा, पिछले वीडियो का आप जरूर देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो आरक्षित को देखिए, आरक्षित इसमें जो प्रांत के विषय थे उसमें जो थे आरक्षित आपको बता ही चुके हैं, आरक्षित जो भी चीजें थे गवर्नर उसकी कार्यकारिणी देखती थी, हस्तांतरित जो भी थे गवर्नर उसकी परिषद देखती थी। आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा, पिछली चीजें जो है याद रहेंगी तभी आपको समझ में आएगा। अब बता ही नहीं, केंद्र के विषय कौन कौन से आते थे, अर्थात संघ सूची में प्रांत के विषय, अर्थात प्रांत सूची अर्थात राज्य सूची में कौन कौन सी चीजें आते हैं। ठीक, वही सारे तो विषय है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा इतना। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। इस एक्ट के तहत द्वैध शासन को प्रांतों से हटाकर केंद्रों में लागू कर दिया गया था। प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान की गई, शक्तियां प्रदान की गई कि आप लोग अपने लिए कानून जो है स्वयं बना सकते हैं, आप लोग फ्री अब हो गए, आपको कोई हस्तक्षेप ऊपर से नहीं होगा। ठीक, तो प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है इसी अधिनियम के तहत। तो यह अधिनियम बार बार पूछा जाता है, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना किस अधिनियम के तहत होती है भारतीय संविधान के निर्माण के क्रम में, तो आप लोग बोलिएगा भारत शासन अधिनियम सन 1935। इसको देखते हैं, केंद्र में समस्त विषयों को आरक्षित व हस्तांतरित 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। केंद्र के जितने भी विषय हुआ करते थे आपको बताएं, केंद्र में कौन कौन से विषय हुआ करते थे, जैसे कि आप लोग बताएं जनगणना से संबंधित कोई भी चीज हो, या विदेशी मामले से, व्यापार से संबंधित, दो राज्यों के बीच व्यापार हो, बैंकिंग हो, सेवा हो, वित्त आदि से चीजें जो भी हो, उस उन शक्तियों को जो है आरक्षित व हस्तांतरित विषय में जो है विभाजित कर दिया जाता है।
इस एक्ट के अंतर्गत जो है संघ लोक सेवा आयोग के गठन के साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग के गठन व संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। मतलब आप लोग देखें कि पिछले एक्ट में जो है ली कमीशन के तहत जो है ली कमीशन सन 1924 में आता है, उसी के तहत सन 1926 में जो है संघ लोक सेवा आयोग का ली कमीशन के तहत गठन होता है, और उसके बाद जो है इस एक्ट के तहत राज्य लोक सेवा आयोग अर्थात प्रत्येक जिसको पीसीएस आप लोग बोलते हैं प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, जो कि आजकल प्रत्येक राज्य जो है कराते हैं। छत्तीसगढ़ पीसीएस होता है, आप पता होगा यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी होता है, बीपीएससी होता है, जेपीएससी होता है, सभी राज्य जो है अपने अपने एग्जाम लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। और संयुक्त लोक सेवा अर्थात इसमें जो है आपको संयुक्त रूप से एग्जाम लिए जाएंगे, ठीक, दो राज्य जो है आपस में मिलकर के एक ही एग्जाम को कंडक्ट करेगा, ठीक, या केंद्र सरकार से भी कुछ मिलकर के एक एग्जाम को कंडक्ट किए करेगा, ठीक। तो यही चीजें हैं, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका गठन और संघीय रेलवे प्राधिकरण अर्थात रेलवे बोर्ड का भी जो गठन होता है इसी के तहत होता है, ठीक, इसी अधिनियम के तहत जो है संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की गई आरबीआई की 1935 में, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये भी पूछता है, काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं, वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तथा उड़ीसा तथा सिंध दो नए प्रांत बनाए गए। उड़ीसा तो आप लोग जानते हैं, सिंध जो है पाकिस्तान में भी वर्तमान में पड़ता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक, इतना जरूर। वर्मा को, वर्मा मतलब म्यांमार, अभी बदला हुआ नाम है, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा इतना चीजें। और उसके बाद आगे चलते हैं, संघीय न्यायालय, उसके बाद देखिए संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय जो अभी वर्तमान रूप में है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक, कि सभी राज्यों के जो है सुनवाई वहां पे अपील की जाएगी, अगर निचले अदालत से राज्य के जो भी न्यायालय हैं उससे जो है कोई भी अगर वहां पे आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो अपील जो है आप ऊपर की तरफ कर सकते हैं, जिसके विरुद्ध जो है अपील जो है प्रिवी काउंसिल लंदन में की जा सकती थी, लेकिन इसकी अपील जो है संघीय न्यायालय की, अगर आप उसके निर्णय से आप संतुष्ट नहीं है तो इसके ऊपर जो है आपको कोई भी चीज अपील करना हो तो आप प्रिवी काउंसिल लंदन में जाना पड़ता है, ठीक। इसी अधिनियम के तहत जो है प्रधानमंत्री जिसको कि प्रीमियर तथा मंत्री मिनिस्टर जैसे शब्दों का प्रयोग पहली बार किया जाने लगा, ठीक, प्रधानमंत्री प्रीमियर तथा मंत्री मिनिस्टर जैसे शब्दों का जो है प्रयोग पहली बार किया जाने लगा। तो फ्रेंड्स इतना ही चीजें हैं, आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिए, और हम आप लोगों से बिल्कुल एक गुजारिश करना चाहते हैं, प्लीज क्या मतलब दिक्कत क्या है आप लोग कमेंट करके बता नहीं रहे हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हो रही है, वीडियो देख रहे हैं ठीक है, देखिए हम उसमें मने थोड़े कर रहे हैं, उसमें हमको हमारी कोई रुकावट नहीं, लेकिन उसमें आप प्रतिक्रिया अपनी नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे आप नहीं बोल पा रहे हैं। सोचिए कि इंटरव्यू में आप लोग जाइएगा एग्जाम दे करके, एग्जाम दीजिएगा, फेस कीजिएगा, इंटरव्यू में तो आप लोग जाइएगा ना, तो वहाँ पे आप लोग कैसे कीजिएगा, वहाँ पे इसी तरह के मतलब रवैया अपनाइएगा, बिल्कुल चुपचाप रहना, शांत, मतलब ये क्या प्रमाणित करता है, अनुशीलन आ गया है आप लोगों में, मतलब हुआ क्या है, कुछ तो बोलिए। आप लोगों से कल प्रश्न पूछे थे एक भूगोल में, उसका जवाब नहीं दिए, खैर उससे अब हमको कोई मतलब नहीं है, हमको तो बस वीडियो डालना है, देखिए आप अपना जिस तरीके से आप लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना जरूर है आप लोग जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा है, ठीक, इतना तो बोल सकते हैं ना, घर में तो बोलने से हिचकते नहीं होंगे, क्या ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत बोल देंगे, कुछ बुरा लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हम हमेशा से बोलते हैं आप अपने हैं, आप बोलिएगा, अपनों को अगर कुछ उल्टा सीधा भी बोल देते हैं ना तो चलता है, ठीक, आप लोगों को पता होगा घर में अगर थोड़ी सी इधर उधर भी हो जाती है, अगर जुबान में फिसल जाता है, हम जानते हैं आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कमेंट जरूर कीजिए आप लोग, ठीक, तो इतना आप लोग जरूर कीजिए, और जो है आज का न्यूज़ जरूर सुनिएगा, क्योंकि उसमें जो है कल जीडीपी का दूसरा जो आपको चल रहा है, दूसरा चालू वित्त वर्ष का जो दूसरा तिमाही था उसका रिपोर्ट जो है आया है, और उससे संबंधित बहुत सारी रिपोर्ट जो है कल दी गई हैं, प्रकाशित हुई हैं, उसके बारे में जो है हम बताने वाले हैं, ठीक, तो आज का न्यूज़ जो था उसको जरूर सुन लीजिएगा, बस इतना ही हम चाहेंगे, और मिलते हैं कल, कल ये लास्ट देख लेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उसके पश्चात जो है आप लोगों को पता नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत को स्वतंत्रता मिलती है दो डोमिनियन में, इसमें जो आता है दो डोमिनियन में भारत को विभाजित करने की बात आती है, पाकिस्तान तथा दूसरा जो है आपको हिंदुस्तान अर्थात भारत, इसी के तहत जो है विभाजित होता है, उसके बाद भारत देश जो है इसी के तहत जो है स्वतंत्रता मिलती है, ठीक, बस इतना ही है और कुछ खास नहीं है, कल जो है खत्म हो जाएगा, और कल जो है हम भारत की नदियां जो कि अरब सागर में गिरने वाली है उसको भी अपलोड करते हैं, इसको और उसको अर्थात भूगोल के जो है तीसरे चैप्टर हम लोग को कल कल जो है समाप्त हो जाएगा, और हमारे संविधान का जो है पहला चैप्टर जो लोग हम संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे वो समाप्त हो जाएगा, अर्थात कल जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग भारतीय संविधान, अब पढ़ेंगे हम लोग संविधान निर्माण अर्थात संविधान सभा के बारे में, उनमें कौन कौन से आपको चीजें थी, कौन कौन सी समितियां बनाई गई आदि आदि चीजों के बारे में जो है हम लोग कल देखेंगे,
तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, और आप लोग फ्रेंड्स में कोई हो तो उनको जरूर बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि वीडियो तभी पहुंचेगा आप तक। तब तक जो है, अब अपने बातों को जो है यहीं पे विराम देता हूँ, और आपसे मांगता हूँ आज्ञा, और मिलते हैं कल। नमस्कार।